हेलो, गुड दादी आ गया मॉर्निंग इसी समय एवरीवन। तो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए, आज की शुरुआत कुछ मस्ती के साथ। ये है हमारी बुआ सास। तो ये ना बेटू की साइकिल है, तो बोलती है बोलते हैं कि मैंने ना गाड़ी लानी है, तो सीखनी है मैंने भी। हंस हंस के थक गए हम लोग। देखो आप लोग भी देखो कैसे ये कर रहे हैं। तो आप बोले हैं कि भी मेरे को बिठा दो इसमें, तो मैंने भी सीखनी है। तो सीख ही नहीं पाते हैं इतने, वो उसमें कहाँ सीख पाएंगे। अरे बाबा, कोशिश करके तो सब कुछ होता ना फिर भी। पर पता नहीं, हंस हंस के तो हम मर गए। इनको नहीं आ रहा था बैठना भी। और ये शाम की रूटीन, ये मैंने प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ इसमें कुंडी में रखा। और आज मेरे पास दो तीन टमाटर थे, सिर्फ छोटे छोटे टमाटर थे, तो मैंने उसी से ही वो कर दिया है। तो मैंने इनको आज इसी में मिक्स कर दिया। मैंने सोचा अगर बाहर डालूंगी लेट हो जाऊंगी, तो ऐसे करके इसमें ही। ये मैं और अंशु बात कर रहे थे, कुछ पता नहीं क्या बात कर रहे थे। तो ये राजमा और चावल बने थे, और चपातियाँ डाली थी। कुकर में है चावल, 4 बजे में तो चपाती देखिए आपको, और फिर मैंने ये इसी कुंडी में इनको यहाँ पर ये कर दिया। ये छपड़ा, बता रहा ना, ये इसमें रोटी के लिए होते हैं, हमारे चावल छब चढ़ा छबड़ा दिया बोलते कुकर करने वाली हूँ, हैं, जो जैसे कि अब हमारी चपाती या मम्मी खाने कोई वाली है। जब रोटी, हम कहीं कैसी भी गए रोटी तो हो, खाते भी इसमें हैं, बंद करके ये जो कपड़ा होता है इसमें ढक घी के रखते डालते हैं हैं। तो पैन में, मैंने चढ़ा दिया तेल ऑयल गरम होने गरम को। होने के लिए, मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ ना, और हमारा तो तेल तेल थोड़ा मैंने सा गरम करने को कड़क रखा है। गया। और आज ना मम्मी पहली बार डाल रही है, मतलब इसी में टमाटर, तो अब मैं और हम इसको अभी अच्छे से कूटूंगी। मैंने थोड़ा टमाटर सा भी इसी में ही करेंगे कूट लिए थे, इसको तो पहले आप हम देख इसको सकते हो मतलब इस मसाला तरह से भी या अच्छे कुछ बनते हैं। भी मेरे पास डालेंगे ग्राइंडर नहीं है, और ग्राइंडर ख़राब है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसे से ही कर हमारी लूँगी। मशीन तो मैंने कोफ्ते नहीं बनाए चलती थे, तो है, कोफ्ते टाइम भी मिलता मैंने है तो बना लेते कुंडी हैं, में, और एक दिन कुंडी में पीसे थे, वो अच्छे नहीं बना उसका वो, क्या क्योंकि दाल मैंने भीगनी डाली थी। तो और फिर मैंने सिलवट्टे में ही और कर दिया। ये देखिए, ये मेरा मिक्सर तैयार हो गया, और अब लगा दिया मैंने तड़का। इसमें लगाऊंगी इसमें तड़का, तो ये डाल दिया मैंने मिक्सर। तो थोड़ा ये मिक्सर थोड़ा तेल छोड़ जाए ना, उसके बाद ये मैंने दाल थोड़ी मैश कर दी, क्योंकि मैंने मैश नहीं की थी दाल। ये देखिए, ये लगा तड़का। तो ऐसे सिंपल तरीके से हमारा खाना बनता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अब लगे हम खाना खाने, तो आप लोग भी खाइए भेजा। प्लीज़। जो मेरे नए व्यूअर हैं, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।